गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, आपने देखा ही होगा कि मेरी वीडियो किसके बारे में है, तो मेरी वीडियो लेमन के बारे में। ये बिल्कुल सच बात है कि एक लेमन के पौधे पे 100 नींबू लगते हैं, तो वो कैसे लगते हैं आज उसके बारे में वीडियो है, चलें देखते हैं। तो अगर हम सनलाइट की बात करें इस प्लांट की, तो इसको सनलाइट दरकार होती है कोई 6 to 7 hours की, और जिस जगह पर यह पड़ा है इस जगह पर इसको काफ़ी सनलाइट। ये देखें, ये गमले में पड़ा है और पॉट का साइज़ बहुत कोई बड़ा है, तो इस साइज के पॉट में पड़ा है। और ये जो मेरा प्लांट है ये 2 साल पुराना है, यानी 2 साल पहले मैंने इसे नर्सरी से ख़रीदा था, और इसके बारे में आपको बताती हूँ। और इसके ऊपर ये फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, वैसे तो थोड़ी सी फ्लावरिंग इसकी लेट हो गया क्योंकि इस पर जो इस साल बारिशें ज़्यादा हुई थी, तो फूल जो लगते थे वो गिर जाते थे, लेकिन अब इसकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और इसके ऊपर ये लेमन लगे भी हुए हैं, अगर आप देख लें तो आप बिल्कुल देख, और आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी कि इसके ऊपर 100 लेमन्स कैसे लग सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए एंड तक और इसके ऊपर वॉच करिए कि कैसे होते हैं। और अगर इसकी वाटरिंग सनलाइट की बात कर लिया, अगर हम इसकी वाटरिंग के मेथड की बात करें, तो वाटरिंग का जो मेथड है उसके लिए पानी इसका इतना है कि जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो इसको तब देना चाहिए। ज़्यादा वाटरिंग उन प्लांट्स को नहीं देते जिन पर फ्रूट्स लगने होते हैं, फ्लावर्स लगने होते हैं, क्योंकि वो जो फ्रूट्स और फ्लावर होते हैं वो फिर गिर जाते हैं और प्लांट पे फ्रूट्स और फ्लावर नहीं आते। अब ये प्लांट है कि मैं इसको ज़्यादा पानी दूंगी तो ये जो फ्लावर्स हैं ये गिर जाएंगे और इसके ऊपर नहीं लगेंगे। अगर आप काउंट कर सकें तो इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कुछ 7 to 8 फ्लावर्स इधर हैं, 12 to 15 फ्लावर्स इस पर हैं, ये भी फ्लावर्स हैं, ये भी हो गए, ये इधर आ रहे हैं। तो ये देखिए जितने भी ये फ्लावर्स हैं इन सब पे एक एक नींबू लगेगा तो ये 100 फ्लावर्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारा हमारा पौधा है। और अगर इसकी कंपोस्ट की बात की जाए, तो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र जो हमें देते हैं, इसको हम देते हैं गाय के गोबर की खाद देते हैं हर मंथ में इसको गाय के गोबर की खाद देते हैं, और इसके अलावा इसको ड्राई लीव्स की खाद भी देते हैं। अगर मैं ये देखें, ये ड्राई लीव्स इसको दिए हुए हैं, यानी कि एक महीने में आप इसको ड्राई लीव्स दें और एक महीना आप इसको गोबर की खाद दें, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा होगा। और इसके ऊपर से बहुत सारे नींबू हम उतार चुके हैं और ये नींबू भी बस येलो होने के करीब पहुंच चुके हैं। तो जैसे ये येलो होंगे हम इनको उतार लेंगे। सॉरी गाइस, मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकती जिसके अंदर मैंने लेमन्स उतारे थे, तो मैं आपको वो लेमन्स दिखा देती हूँ वो कैसे के हैं। देखें, ये हैं वो लेमन जो मैंने अपने दरख्त से उतारे थे, और इनमें से बहुत सारे लेमन हमने यूज़ भी कर लिए हैं और बहुत सारे आपको दिखाए भी थे कि लगे हुए हैं। तो ये लेमन इस दफ़ा हमने उतारे हैं, तो इनमें से बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर लिया, और इनका कुछ यूज़ मैंने अपनी कुकिंग में भी किया है, तो वो आपको वीडियो जल्दी आ जाएगी पार्ट 2 में। मार्गरेटा मैंने बनाया था, उसके अंदर जो लेमन का यूज़ था वो यही लेमन थे, यही मैंने लेमन लिया था और वो मैंने डाला था। तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मेन ड्राइंग उसका नीचे डिस्क्रिप्शन है और वो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। जो लेमन के ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं वो लीफ माइनर उन्हें कहते हैं, या फिर उन्हें काला तेल भी कहते हैं, ऐसे कि कीड़े आ जाते हैं, तो उनका सलूशन भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सलूशन क्या होगा। माइनर्स के अटैक को और इसके ऊपर जो आ जाते हैं काला तिल जिसे हम कहते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये डिश वॉशिंग सोप है, इसे हमने ले लेना कोई भी। ये मेरे पास फेरी वालों का है, तो आप लेमन मैक्स भी ले सकते हैं या कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये मेरे पास बोतल है, इसके ये मैंने बोतल ले लिया, और इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर मैंने सुराख कर दिया 3 सुराख ताकि स्प्रे हो सके। और इतना मैंने पानी ले लिया, और इसके अंदर अब हम 1 tablespoon या 1 teaspoon जो जैसा मर्जी आप डालें इसके अंदर, ये हम फेरी वालों का डालेंगे। अब ये मैंने इसके अंदर डाल लिया फेरी वालों का, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करें, और ये इसके अंदर जाग बन गया। अब ये जो हमने तैयार किया स्प्रे, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप लोगों को और स्प्रे की जरूरत जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको उनकी ज़रूर बताऊंगी कि वो कैसे बना सकते हैं और अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, इनके ऊपर जब फ्लावर लगते हैं तो ज़्यादा ही इनके ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक होता है, तो आप जैसे जब फ्लावर्स लगे आम के प्लांट, हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। ये लीव्स के ऊपर आपने अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है, ये देखिए ऐसे जाग, तो इससे आपके खुद ही जाग खत्म हो जाएगी और आपके के प्लांट्स के ऊपर कीड़े नहीं आएंगे। थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर देना, हाँ।